हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दो फिर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। आज हम वीडियो लेकर आ गए हैं आरजे रौनक की, जो के है लॉरेंस बिश्नोई पे। तो भाई सिद्धू मूसे वाले से लेकर सलमान खान तक, भाई जो उनकी थ्रेट है वो क्यों है। हाँ भाई, तो यार देखते हैं इस वीडियो में हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनका नेक्स्ट टारगेट तो वैसे अभी तक सलमान खान है, लेकिन वो मुनव्वर फरूकी भी उनका अब टारगेट बन चुका है। मुनव्वर फरूकी तो फिर अच्छा, तो देखते हैं भाई क्या होता है। प्लीज वीडियो को एंड तक देख के चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मुनव्वर फरूकी रहेगी भाई, देखते हैं शुरू से। दोस्तों, तारीख थी 7 अगस्त, साल था 2021, जगह थी मोहाली का सेक्टर 71। अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी यार विक्की मिदुखेड़ा अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने आए थे। तभी वहाँ एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से 4 हमलावर बाहर निकलते हैं। इन चारों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। 4 में से 2 हमलावर विक्की के पीछे दौड़ते हैं, और इससे पहले कि विक्की अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ पाता, हमलावरों ने चंद सेकेंड में ही विक्की पर 20 राउंड गोलियां दाग दी। गाड़ी में बैठने से पहले ही विक्की मिदुखेड़ा की जान चली गई। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था। विक्की के इस मर्डर के बाद लॉरेंस घायल शेर बन जाता है। कुछ देर बाद ही वो फेसबुक पर एक पोस्ट लिखता है, अपने भाई विक्की मिदुखेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। इस पोस्ट की सबसे खतरनाक लाइन थी कि जो भी विक्की के मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाए। बताने की जरूरत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड विक्की के इस मर्डर के लिए सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को जिम्मेदार मानते थे। लॉरेंस ने कई बार कहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के हथियारों की मदद की, उन्हें पैसे दिए, हथियार दिए। लॉरेंस ने अपने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिदुखेड़ा के मर्डर की शेखियां बगाड़ता था। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के जरिए हमें चिढ़ाता था। बस इतना काफी था लॉरेंस को भड़काने के लिए। 7 अगस्त 2021 को विक्की का मर्डर हुआ, और उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की तैयारी करने लग गए। विक्की के मर्डर के टाइम लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था। तिहाड़ में रहकर ही उसने कनाडा में बैठे अपने पार्टनर गोल्डी ब्राड के साथ मिलकर मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पास एक ई सिम पहुंचाया गया। ई सिम में कोई सिम कार्ड नहीं लगता, इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिव किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड ने मूसेवाला के मर्डर के लिए 10 महीने लगाकर एक पूरा रैकेट तैयार किया। हैरानी की बात यह है कि रैकेट में इन्वॉल्व सभी लोगों को मिलकर काम करना था, मगर एक टीम के लोग दूसरी टीम के लोगों को जानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये पता होता था कि उस जगह इस आदमी को हथियार देना है, उस आदमी को गाड़ी में बिठाना है, मगर कौन आदमी क्या है, उसकी पहचान क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ कनाडा में बैठा गोल्डी ब्राड ही ऑपरेट कर रहा था। कभी लोग जानते हैं कि 29 मई को मूसेवाला के मर्डर से पहले गोल्डी ब्राड और लॉरेंस बिश्नोई के 6 आदमी 15 दिन में मूसेवाला को मारने की 8 बार कोशिशें कर चुके थे, मगर उस वक्त मूसेवाला को पंजाब पुलिस की तरफ से हैवी सिक्योरिटी मिली हुई थी। खुद को मिल रही धमकियों के बाद मूसेवाला बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर गाड़ी में भी चलता था। इस कारण से हर बार उसके मर्डर का प्लान कैंसिल करना पड़ा था। मगर 28 मई को गोल्डी ब्राड को अचानक पता लगता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जिन 424 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी कम की है, उसमें सिद्धू मूसेवाला भी है। गोल्डी ब्राड को पता था कि इससे मौका उसे नहीं मिल सकता था। खबर मिलते ही उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। उसने अपने शूटर्स को यहां तक कहा कि अगर मूसेवाला AK-47 से न मरे तो उसकी गाड़ी को हैंड ग्रेनेड लगाकर उड़ा देना। फिर आया 29 मई का वो दिन। उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके एक एक लम्हे की आज हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो शायद ही आपने आज से पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर सुनी होगी। मगर इससे पहले कि हम 29 मई के उस दिन पर आए, आपके साथ एक बात शेयर करनी है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आज के टाइम पे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं। जी हाँ, कि ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, प्रॉफिट बुक कब करें। तो आपके सवाल का एक सिंपल सा आंसर है पॉकेट ब्रोकर के AI ट्रेडिंग फीचर, जहां AI आपके लिए ट्रेडिंग करता है और आपको प्रॉफिट भी देता है। इसको स्टार्ट करने का एकदम सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है पॉकेट ब्रोकर का, उस पे जाकर रजिस्टर करिए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड RAUNAK100 यूज करोगे तो आपको 100% बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पर, मतलब जितना डिपॉजिट करोगे उसका डबल मिलेगा। आपको यहां पर बड़े सारे ऑप्शन मिलेंगे डिपॉजिट करने के और अपना प्रॉफिट विड्रॉ करने के लिए भी। इसके बाद आपको बस इसके AI ट्रेडिंग का फीचर चेक करना है, और बाकी का आपका प्रॉफिट AI करके देगा। AI ऑटोमेटिक चार्ट को एनालाइज करके ट्रेडिंग लेता है, और आपको बस AI को एक्टिव करना है, बाकी वो आपके लिए ट्रेड कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, अपन ने AI को बोला ट्रेड करने के लिए और ये हो गया प्रॉफिट। इसलिए आप भी किसका इंतजार कर रहे हैं, AI को यूज करके अपना प्रॉफिट स्टार्ट करो। लिंक दिया है पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में, साथ ही मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना, आपको पहले डिपॉजिट पर मिलेगा 100% एक्स्ट्रा बोनस। वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों 28 मई को गोल्डी ब्रार को जैसे ही पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई है तो उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। 29 मई की सुबह होते ही सबसे पहले चार हत्यारे हरियाणा के कीरमारा इलाके में पहुंच गए। इसके बाद कुछ और हत्यारे हरियाणा के उकलाना मंडी से मानसा के लिए निकल पड़े। 11:30 के आसपास ये सभी लोग मानसा मंडी से पहले एक ढाबे पर पहुंच गए। गोल्डी ब्रार के कहने पर ये सभी लोग 4 बजे तक उस ढाबे पर रुके रहे और फिर शुरू हुआ असली खेल। 4 बजते बजते हरियाणा साइड के शूटर उस ढाबे पर आ गए और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों शूटर्स मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए और इसके बाद ये सभी लोग अपने चीफ गोल्डी ब्रार के अगले ऑर्डर का वेट करने लगे। तभी 4:30 बजे गोल्डी ब्रार का फोन आता है। दूसरी तरफ से वो अपने शूटर्स को बताता है कि सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम लोग अभी उसके घर के लिए निकल पड़ो। इसके बाद गोली की रफ्तार से शूटरों की दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गई। उनमें से एक बंदा केशव उसी ढाबे पर रुक गया। प्लान के हिसाब से मर्डर के बाद सभी को उसी ढाबे पर वापस मिलना था। शूटरों की बोलेरो कार मानसा चौक पर ही रुक गई। तभी गोल्डी ब्रार का फिर फोन आया। उसने बताया मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक कलर की गाड़ी में है, साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सुनते ही शूटरों की गाड़ी वहां वेट करने लगी। थोड़ी देर में मूसेवाला की थार ने शूटरों की बोलेरो को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू किया। तभी दो गाड़ियों में शामिल 6 शूटरों ने अपनी गाड़ी को सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे लगाया और उसे आगे पीछे से घेर लिया। इससे पहले मूसेवाला कुछ समझ पाता, इन 6 शूटरों ने 19 राउंड गोलियां दागकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। मूसेवाला की तरफ से भी इन हत्यारों पर 6 गोलियां चलाई गई। हत्यारे मूसेवाला को मारने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्हें इतनी गोलियां मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को हिलाकर यह भी चेक किया कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। इस तरह विक्की मेदुखेड़ा की मौत के 9 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाकर अपना बदला ले लिया। पुलिस जांच में पता चला कि ये लोग मूसेवाला को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मूसेवाला के मर्डर पर इस गैंग ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मर्डर में शामिल हर शूटर को बताया जा रहा 5-5 लाख रुपए दिए गए। हथियारों ने अपने लेवल पर हथियार इकट्ठा किए ही थे। गोल्डी ब्रार ने भी उनके लिए AK-47 का बंदोबस्त किया था। उसने इस काम को अंजाम दिलाने के लिए देश की 10 अलग अलग जेलों में बंद कम से कम 60 गैंगस्टरों से बात करके अपनी एक टीम बनाई थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले ही बता दिया गया था। मसलन मूसेवाला के कत्ल के लिए किसे रेकी करनी है, किन किन लोगों को मूसेवाला पर हमला करना है, किन किन लोगों को मर्डर के बाद शूटरों को भगाने में मदद करनी है, किनको शूटरों के लिए और उनको छुपने के लिए होटलों का इंतजाम करना है, किसको गाड़ी देनी है और किसे कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार लेकर अपने ठिकाने पर लौट जाना है। कहने का मतलब यह है कि गोल्डी ब्रार ने हर किसी के हिस्से का काम पहले ही तय कर रखा था। और जैसे ही मूसेवाला का मर्डर हुआ, 9 महीने से बदले की आग में तड़प रहा लॉरेंस बिश्नोई फिर से फेसबुक पर आया और ये पोस्ट लिखी, मैं और गोल्डी ब्रार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद की थी। मैंने मूसेवाला को जयपुर से बुलाया था और कहा था कि उन्होंने जो भी किया सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं भी अपना हथियार लोड रखता हूँ। इसलिए हमने अब अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर की हत्या में शामिल थे वो चौकन्ने हो जाएं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू का पुलिस ने अमृतसर के पास एनकाउंटर कर दिया था। वहीं लॉरेंस का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई मूसेवाला के मर्डर से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन बाद में उसने तिलकर राज टुटेजा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से ही बना था। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनाया गया था। उसने मूसेवाला हत्याकांड का सारा प्लान तैयार किया था। मर्डर में इस्तेमाल शूटरों के रहने, खाने, शेल्टर, पैसे, गाड़ियों का इंतजाम किया था और फिर फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत के रास्ते वो दुबई भाग गया। इसके बाद वो दुबई से अजरबैजान चला गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के नाम से फेसबुक पर इस मर्डर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, लेकिन तब से आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर कई बार अपने बयान बदले। शुरू में उसकी तरफ से ये कहा गया था कि हमने विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये बात भी निकल कर आई थी कि 2018 में कनाडा में बैठा गोल्डी ब्रार और लॉरेंस के खास गैंगस्टर्स के मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला ने लांड्रा रोड पर एक गाँव में चल रहे कबड्डी कप में शो करने वो चले गए थे। उस शो में जाने के लिए सिद्धू ने मुंबई का एक शो भी कैंसिल कर दिया था। इसी की रंजिश को लेकर गोल्डी ब्रार से उनकी काफी ज्यादा अनबन भी हुई थी, क्योंकि गोल्डी ब्रार का ग्रुप नहीं चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला यहां पर आकर कबड्डी कप में हिस्सा ले और शो करे। इसके बाद ही उनकी आपसे रंजिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए 29 मई को जब मूसेवाला का मर्डर हुआ तो लॉरेंस ने इसी रंजिश के चलते बदला लेने की बात की थी।
लेकिन आगे चलकर उसने कहा कि मूसेवाला से तो उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी ही नहीं, लेकिन मूसेवाला के गाए गीतों से ऐसा लगता था कि वो अपने गानों के जरिए उसे चुनौती दे रहा है। लॉरेंस को यह भी लगता था कि मूसेवाला अपने गीतों में गैंगस्टर दविंदर बबीहा और उसके गैंग की तारीफ करता। इसके बाद मार्च 2023 में जेल से एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बिश्नोई ने फिर से कहा कि उसे मर्डर की प्लानिंग की जानकारी तो थी मगर मैं इसमें शामिल नहीं था, ये सारी प्लानिंग बाहर गोल्डी ब्रार भाई ने की और मूसेवाला ने मेरे बड़े भाई विक्की मिधुखेड़ा का मर्डर भी करवाया था और ये स्टेज से उसकी डींगे भी हांकता था, हमारे एंटी गैंग को सपोर्ट करता था, जेल में भी उनसे बातें करता था और जेल में भी उन्हें सपोर्ट करता था, कांग्रेस में इसकी अच्छी पकड़ थी, कॉमेडियन राजा वडिंग और सीएम चन्नी के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, पुलिस भी इनके असर में थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में कोर्ट में दिए अपने बयान में लॉरेंस ने फिर से कहा कि वो मूसेवाला गांव का रहने वाला भी नहीं था, मूसेवाला से उसकी कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसा कोई फाइल रिकॉर्ड में भी नहीं है कि उसने सिद्धू मूसेवाला से किसी फिरौती की मांग भी की हो, मृतक सिद्धू मूसेवाला ने भी कभी भी उसके खिलाफ पुलिस के पास फिरौती मांगने को लेकर कोई शिकायत नहीं की। वेल मूसेवाला के मर्डर को आज 2 साल हो गए, इस मामले में कई लोग पुलिस की गिरफ्त में भी है, कुछ का एनकाउंटर हुआ है, कुछ अब भी फरार है, मगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया उसने उस वक्त पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इतने हाई प्रोफाइल शख्स के मर्डर ने उस वक्त कई सवाल भी खड़े किए थे, लोग इस बात से भी हैरान थे कि एक गैंगस्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो जेल के अंदर रहकर इतने बड़े आदमी का न सिर्फ मर्डर प्लान कर ले बल्कि उसकी हत्या भी करवा दे। अगर ये कोई इकलौता मामला होता तब भी बातें आई गई हो सकती थी, मगर जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उसके जेल में होने के बावजूद एक्टिव है, जिस तरह उसके लोगों ने करनी सेना के चीफ के घर में उनका मर्डर किया, जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने इस साल सलमान खान जैसे सुपरस्टार के घर पर फायरिंग कर दी, उसे लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, जिस तरह उसने महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल फिगर को इतने बड़े नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, उसने आज हर किसी को हिलाकर रख दिया है। कुछ लोग उसे दाऊद से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, कानून की नज़र में वो गैंगस्टर है, अपराधी है, मगर जिस तरह उसने खुलेआम चैलेंज करके अपने दुश्मनों को मारा है उसने सबका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है। मूसेवाला के जाने का दर्द उनके फैंस आज तक महसूस कर रहे हैं, मगर गैंगस्टर्स का पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिश्ता या दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। 2018 की बात बताता हूँ, पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा पर भी गोली चली थी, तब वो जैसे तैसे उस हमले में बच गए थे। 1996 में पंजाबी सिंगर दिलशाद अख्तर पर भी हमला हुआ था। 1988 में संगीतकार अमर सिंह चमकीला की भी हत्या कर दी गई थी, मगर सिद्धू मूसेवाला की मौत ने हाल फिलहाल जैसा असर छोड़ा वैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के हथियारों के पास अपनी करतूत की अपनी वजह है, लॉरेंस के चाहने वाले इसे अपनी नजर से देखते हैं। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी हो तो इसे आगे भी लोगों से जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो यार लॉरेंस बिश्नोई ने भाई बदला, में मुझे हमेशा पूछती थी कि भाई क्यों मारा है सिद्धू मूसेवाले को, सिद्धू मूसेवाले को क्यों मारा, अब पता चल गया क्यों मारा है, क्योंकि भाई विक्की जो उनके भाई थे ना उनको मारने में इनका हाथ था, क्योंकि हमें तो भाई दोस्त या भाई चलो दोस्त को भाई ही मानते हैं ना वो, तो उसको मारा था भाई सिद्धू मूसेवाले ने, जो है ना उनका हाथ था उसमें, मतलब कि वो बोला कि हेल्प की थी मार। हाँ तो भाई ना मतलब के मिली भगत ही थी ना इस चीज की, वो सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग अगर हम सुनते हैं तो हमें उनमें ऐसा कुछ सुनाई भी देता है जिसमें वो ना धमकियां टाइप देते हैं, तो ऐसा था। लेकिन यार सिद्धू मूसेवाले पे केस भी हमें बहुत ज्यादा ना थे, इनको शायद एक दफा जेल में भी इन्होंने पकड़ के ले गए थे तो फिर ये छूट गए थे, इस तरह से भी जो है ना कई मामलात इन पे होते रहते थे, तो फिर जब आप गैंगस्टर एक दूसरे से चलते हैं ना इसलिए यार एक दूसरे का पता नहीं यार मार के इनको क्या मिलता है, ये वो एक मारने मराने में लगे हुए हैं, अब पता नहीं किस किस की बारी अभी बाकी है। अभी तो उन्होंने और भी बहुत ज्यादा सिंगर्स ऐसे हैं जिनको धमकियां उन्होंने दी हुई है कि भाई तुम्हें भी खत्म कर दूंगा तुम्हें भी, लेकिन पता नहीं लॉरेंस गोल्डी ब्रार जो है वो कनाडा में बैठा है, वो पहले से ही जब से वो कॉलेज में था ना वो तब से ही उसके साथ है, वो बड़ी देर से इन दोनों की आपसी दोस्ती है, तो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और फिर जब किसी को मारना होता तो दोनों की प्लानिंग आपस में होती है, तो फिर ही वो ना मर्डर प्लान हो। लेकिन सिद्धू मूसेवाले की मौत ने वाकई में सबको हिला के रख दिया था, तो मैं आए दिन सोचती हूँ कई हम ये ना खबर मिल जाए कि सलमान खान की भी काम तमाम हो गया, रोज मैं ये सोचती हूँ नहीं गड्डी जी तो ना हाथ है बैठे जाना तो है ना वही ना गाड़ी बाहर तो ना निकलता ही है, कभी ना कभी तो निकलता है, आज नहीं प्रोग्राम कर रहा है ते करन दिया है ना वो प्रोग्राम जे बेच मसूरी वाले
ना भूल गए। अच्छा मतलब सलमान खान बिग बॉस। हाँ बिग बॉस। हाँ बिग बॉस से वो बोलते कि ये तो मेरी ड्यूटी है, मैंने इसको करना ही करना है, जा रहा है तो हाँ वो वहां पे तो जा रहे हैं, तो अभी उनको इस चीज की इन्फॉर्मेशन भी जरूर होगी। हाँ। तो अभी लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी वो मर्डर प्लान नहीं इनका करने लगे, क्योंकि अभी तो बाबा सिद्दीकी की मृत्यु तो प्लान कर रहे हैं। अभी वो हमें वो जो जब अपना प्लानिंग करते हैं ना वो 1-2 साल लगाते हैं, एग्जीक्यूट उसको करना जब होता है ना तो वो एक मौके की तलाश, उन्होंने पता नहीं कितने लोग इनके पीछे लगाए होंगे ये किस टाइम पे, जैसे सिद्धू मूसेवाला था हर टाइम सिक्योरिटी में रहता था, लेकिन एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं था, तो वही दिन उन्होंने चूज किया कि भाई आज जो है ना सिद्धू, उन्हें पता होता है आज नहीं है, नहीं अंदर से भी बंदे मिले होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ बाहर से मिले होते हैं, ये नहीं है कि भाई आप बाहर से ये होते हैं, अंदर से भी कोई ना कोई मिला था जो खबर देता है कि भाई ऐसा होने वाला है। उसको गोल्डी ब्रार को कैसे पता था कि भाई ये जो बिना सिक्योरिटी के जाने वाला है, वही ना अंदर कोई मिला हुआ था तो जिसको पता था, तो फिर क्या फायदा साथ रखा किसी को जो किसी ने मरवाई दे रहा था। लेकिन यार सिक्योरिटी के लिए लोग रखते ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गलत होता है जब भी पैसे के लिए सब लोग करते हैं पैसा पैसा भाई ले देते हैं, पैसा लेके बैठ गया लोगों को, और एक ऊपर से आपसी दुश्मनी भी भाई आपसी बहुत ज्यादा मैटर करती है लोगों के लिए, वो लोग बदला लेने की आग में ऐसा जलते हैं ना कि बदला लेके छोड़ते हैं चाहे जो मर्जी। हाँ लेकिन हमें लोग आजकल बदला भूलते नहीं है, बात ये है असल में, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बदला ये माफी मांग ले तो कोई गल नहीं, माफी पता माफी मार दे मार दे कोई पता नहीं। नहीं नहीं अम्मी अगर उसने बोला है ना कि ये माफी मांगे तो फिर वो नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि वो बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है, जल्दी कोई पता नहीं। हाँ लेकिन सलमान खान भी तो एटीट्यूड में बैठा हुआ है ना, वो भी तो कह रहा है कि मैं भी नहीं मांगूंगा, मेरे में भी सही बात है। सिद्धू मूसेवाला भी ऐसा ही था, उसने बोला था कि ना लॉरेंस बिश्नोई को उसने धमकी दी कि तुम जो तुमने तुमसे होता तुम कर लो, उसने भी फिर करके दिखा ही दिया। इस तरह से जब इंसान अकड़ता है ना तो मौत, बिल्कुल। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है। थैंक यू।